जमाने से बता रहा हूँ, बता बता के परेशान हो गया हूँ, लेकिन अब लोग सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, क्या बात है पता नहीं है। 10 बार बता चुका हूँ ये बात को, वीडियो डाल चुका हूँ, कई बार अपडेट कर चुका हूँ कि कोई भी IRCTC का टिकट जब कैंसिल होता है तो उसके बाद वेरीफाई भी करना होता है। बिना वेरीफाई करे आपका रिफंड अमाउंट नहीं आता है, अमाउंट रिफंड नहीं होता है जब तक कि उसको वेरीफाई ना करो। आज भी एक ग्रुप में मैसेज आया था कि IRCTC का टिकट कैंसिल कर दिया है, रिफंड कब तक आएगा? अरे यार, रिफंड करने के बाद वेरीफाई का प्रोसेस भी होता है, टिकट का काम कर रहे हो तो कम से कम उसके बारे में समझो भी तो कि क्या होता है। कितने वीडियो तुमने लगा दे मैंने, अब ना ही देखते हो तो कोई तुम्हारी गलती है। ठीक है, तो बता रहा हूँ मैं फिर से कि टिकट कैंसिल करने के बाद उसको वेरीफाई करा जाता है, वेरीफाई करने के बाद फिर 2 से 3 दिन में उसका रिफंड ऑटोमेटिक आ जाता है। ज़बरदस्ती ग्रुप में पूछ रहे हो, मैसेज कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को फ़ोन कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। अरे यार, थोड़ा तो कुछ एक दो वीडियो ढंग के भी देख लिया करो ज़रा यूट्यूब में। हर वीडियोज़ या तफरीबाजी ब्लॉग वगैरह के नहीं होते हैं, कभी कोई इन्फॉर्मेशन वाली भी वीडियो होते हैं। किसी का देखो, तो मेरा मत देखो, किसी का भी देखो, पर ये तरीका भी सीखो। टिकट का काम कर रहे हो तो टिकट का काम करने के साथ साथ समझो भी तो कि टिकट का काम कैसे होता है। सिर्फ ले करके IRCTC का ID ले करके लॉगिन करके तुम टिकट करने बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। मोबाइल नंबर सही डालना हो तो उसमें OTP आता है। हम लोग जब टिकट करते हैं तो टिकट बनाने से पहले पैसेंजर के नाम से ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि कस्टमर का मोबाइल नंबर क्या है, क्योंकि कैंसिलेशन के टाइम OTP आता है मोबाइल में। OTP आना ज़रूरी होता है जब कैंसिल करते हैं, क्योंकि कैंसिलेशन के बगैर उसमें OTP जब तक तो नहीं डालोगे तब तक वो वेरीफाई टिकट नहीं होगा। तो ये सब बातें ध्यान दी जाती हैं ज़रा। ठीक है, तो टिकट कैंसिल करने के बाद उसको वेरीफाई करना सीख लो, तभी वेरीफाई करने के बाद पेमेंट 2-3 दिन में ऑटोमेटिक CSC के अकाउंट में आ जाता है।